हेलो चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम 11th क्लास के टाइट्रेशन के कैलकुलेशंस डिस्कस करेंगे। टाइट्रेशन का बेसिक आइडिया हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी कि 11th का टाइट्रेशन बेसिकली एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, जिसमें जो बेस है वो वाटर सोल्यूबल बेस यूज होता है, जैसे कि NaOH या सोडियम कार्बोनेट। इसीलिए हम इसे एसिड एल्कली टाइट्रेशन भी कह सकते हैं और इसे एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन भी कहा जाता है। रिएक्शन जो इन्वॉल्व होती है इन टाइट्रेशन में वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। बेसिकली जो पेयर ऑफ एसिड बेस हम यूज करते हैं, तो उसमें हम बेसिस में हमारे पास दो चॉइस हैं, एक या तो हम NaOH यूज करें या सोडियम कार्बोनेट। तो NaOH स्ट्रांग बेस है जबकि सोडियम कार्बोनेट एक वीक बेस है। एसिड में भी हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, HCl जो कि स्ट्रांग एसिड है, या हम ऑक्सैलिक एसिड यूज करें जो कि एक वीक एसिड होता है। फिर पिछले वीडियो में मैंने आपको इनके बीच की रिएक्शंस बताई थी कि अगर आप NaOH HCl में टाइट्रेशन कर रहे हैं तो NaOH आपको हमेशा ब्यूरेट में भरना है, ये केमिकल रिएक्शन होगी न्यूट्रलाइजेशन में। और जो दो टाइट्रेशन हम यूजुअली 11th में करते हैं, वो करते हैं हम NaOH और ऑक्सैलिक एसिड के बीच में, जहां पे NaOH जो है हमारा स्ट्रांग बेस है, इसे हम ब्यूरेट में भरते हैं और ऑक्सैलिक एसिड को हम पीपेट आउट करते हैं। सेकेंड पेयर है सोडियम कार्बोनेट और HCl का, ये थर्ड है एक्चुअली, फर्स्ट हमारा NaOH HCl था जो हम 11th में कर भी सकते हैं और यूजुअली हम ये दो करते हैं जो जिन पर मैंने टिक लगा रखा है। सो सोडियम कार्बोनेट जो है एक वीक बेस है और HCl जो कि एक स्ट्रांग एसिड है, तो हमारे पास एक स्ट्रांग एसिड वीक बेस का पेयर है और एक वीक बेस और स्ट्रांग एसिड का पेयर है, जिनके बीच के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। फिर मैंने आपको ये दो एम बताए थे पिछले वीडियो में, जिनमें हम दोनों की ही कैलकुलेशन आज डिस्कस करेंगे और कंपेयर करके पढ़ाई करेंगे कि कैसे इनके कैलकुलेशंस होते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहला एम था टू डिटरमाइन द मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन NaOH सॉल्यूशन। सो गिवन NaOH सॉल्यूशन आपको दिया है लेकिन पूछ रहे हैं मोलैरिटी और स्ट्रेंथ, तो जिसकी मोलैरिटी और स्ट्रेंथ पूछी जाती है वो हमारा अननोन सॉल्यूशन होता है। अननोन सॉल्यूशन मतलब जिसकी मोलैरिटी और स्ट्रेंथ हमें नहीं पता है, यानी वो क्वेश्चन मार्क है। तो जो चीज क्वेश्चन मार्क है वो हमारे को रीडिंग के फॉर्म में मिलेगा, तो इसको हम कहां भरेंगे, ब्यूरेट में भरेंगे। सो जिसकी भी मोलैरिटी और स्ट्रेंथ निकालनी हो उसे हमेशा हम ब्यूरेट में भरते हैं, ये ध्यान रखें। प्रोवाइडेड इज M/20 ऑक्सैलिक एसिड, तो जिसकी मोलैरिटी दी गई हो वो हमारे लिए नोन सॉल्यूशन होता है और इसको हम पीपेट में लेते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक सेकेंड एम है टू डिटरमाइन द मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो यहाँ पर HCl की स्ट्रेंथ और मोलैरिटी पूछी गई है, तो यानी ये ब्यूरेट में भरा जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है। और सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी 0.05 m दी हुई है। यहाँ पर 0.05 m का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ तो M/20 दी थी। 0.05 को आप सॉल्व करें तो डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 1 आएगा और दो जीरो आ जाएंगे, और 5 × 5 2 × 10 और जीरो, तो क्या बचा 1/20। तो कहने का मतलब है आप 1/M/20 लिखिए, 1/20 m लिखिए या 0.05 m लिखिए, सबका मतलब सेम है, यानी M/20 या 1/20 m। 1/20 m को हम फिर से M/20 लिख सकते हैं m को 1 से मल्टीप्लाई करके, और इसको मैंने आपको अभी यहां सॉल्व करके दिखाया था, फिर से दिखा देती हूँ। डेसिमल हटाएंगे 1 आएगा, दो डिजिट्स हैं, दो जीरो आएंगे, सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 2 × 10, फिर से 1/20 m बचा, 1/20 m इसके बराबर है, और यही यहां पर भी लिखा हुआ था। तो आप M/20 लिखिए, 1/20 लिखिए या 0.05 m लिखिए, तीनों का मतलब सेम है। तो आई होप आपको ये दोनों एम समझ आए। नाउ लेट अस स्टार्ट एंड डिस्कस हाउ टू डू द कैलकुलेशंस फॉर द टाइट्रेशन। सो हमारा पहला टाइट्रेशन था NaOH और ऑक्सैलिक एसिड के बीच में। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि NaOH एक स्ट्रांग बेस है और ऑक्सैलिक एसिड एक वीक एसिड है। इस पेयर में NaOH को हम कहाँ भरते हैं, ब्यूरेट में भरते हैं, क्योंकि उससे हमें रीडिंग मिलनी है। और ऑक्सैलिक एसिड को हमें क्या करना है, पीपेट में लेना है। पीपेट की जो कैपेसिटी है वो 20 ml है जो हम यूज करते हैं। हम 10 ml का पीपेट भी यूज कर सकते हैं, बट हम जो लैब में पीपेट यूज करते हैं इस टाइट्रेशन में, वो 20 ml का है। इनके बीच की रिएक्शन हम लिख लेते हैं क्योंकि उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। सो यहाँ पर जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो होती है ट्वाइस ऑफ NaOH प्लस 1 molecule ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, इट गिव्स अस द सॉल्ट प्लस वाटर। सो दिस रिएक्शन इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन को हमें देखकर समझ आता है कि दो मॉलिक्यूल NaOH एक मॉलिक्यूल ऑफ
ऑक्जैलिक एसिड को न्यूट्रल करते हैं, यानी 2 मोल ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 मोल ऑफ ऑक्जैलिक एसिड। जो फॉर्मूला यहाँ यूज होता है वो मोलैरिटी निकालने का डाइल्यूशन फॉर्मूला यूज होता है, जो कि होता है M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। अब ये M1V1 M2V2 क्या है? M स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी, 1 मतलब एसिड, ये 1 मतलब एसिड कैसे हुआ? एक्चुअली आप इसको MAVA इज इक्वल्स टू MBVB भी लिख सकते हैं, यानी मोलारिटी ऑफ एसिड वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू मोलारिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस। तो आप 1-2 लिखिए या AB लिखिए, मैंने क्या किया, मैंने एसिड के लिए 1 यूज किया या A यूज करिए, बेस के लिए 2 यूज करिए या B यूज करिए, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। अगर आपको क्लियर है 1 इज फॉर एसिड 2 इज फॉर बेस तो ये लिख लीजिए या A और B लिखिए, ठीक, ये डाइल्यूशन फॉर्मूला है। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि NaOH जो है उसके 2 मॉलिक्यूल्स की जरूरत है हमें टू न्यूट्रलाइज द 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक। नाउ लेट अस रीअरेंज दिस, तो हम इसे लिख सकते हैं M1V1 अपॉन M2V2 इज इक्वल्स टू, अब हमें रिएक्शन पे नजर डालनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है यानी उसकी मोलारिटी और वॉल्यूम ये लिखा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो मोल्स हैं वो इसके आगे लिखे जाएंगे, और 1 माने एसिड तो एसिड का 1 मोल यूज हुआ यानी 1 इसके आगे लिखा जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ ये फॉर्मूला हमारा बन के आता है। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, MAVA अपॉन MBVB इज इक्वल्स टू 1/2। जो एसिड है उसके आगे उसके नंबर ऑफ मोल्स लिखिए और जो बेस है उसके आगे उसके नंबर ऑफ मोल्स लिखिए, इट्स दैट इजी, ठीक है। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। अब एसिड हमारा ऑक्सैलिक एसिड है, इसकी मोलारिटी क्वेश्चन में दी हुई थी, एम में दी हुई थी, इट वॉज सेड प्रोवाइडेड इज M/20 ऑक्सैलिक एसिड, तो मोलारिटी दी हुई M/20 तो हम उसे 1/20 यहां पुट करेंगे। वॉल्यूम क्या है, अब देखिए यहां पर जो ऑक्सैलिक एसिड है वो आपने कहां लिया हुआ है, ऑक्सैलिक एसिड को आपने पीपेट आउट किया था, तो जिसे पीपेट आउट करते हैं वो उतना पीपेट आउट करते हैं जितना वॉल्यूम आपको चाहिए, तो पीपेट हमारा 20 ml का है, तो वॉल्यूम कितना हो गया, आपने कितना लिया, 20 ml लिया, क्योंकि पीपेट आउट किया तो जो पीपेट की कैपेसिटी है वो कैपेसिटी वो वॉल्यूम है जितना आपने लिया है एसिड, तो 20 ml लिया है हमने, पुट कर दिया। नाउ हियर मोलारिटी ऑफ NaOH वॉज आस्ड इंटू व्हाट इज दिस V2, V2 वो वॉल्यूम है जो आपकी रीडिंग आएगी, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम कहाँ से आ रहा है, ब्यूरेट से नीचे गिर रहा है, NaOH ब्यूरेट में भरा हुआ है, तो जो रीडिंग आएगी वो आपका V2 होगी, NaOH की वॉल्यूम जो यूज हुआ, तो उसे मैं X मान लेती हूँ, इट इज इक्वल टू 1/2। अब आप इसे सॉल्व करें, इस 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा हुआ है 1/, ये तो पूरा खत्म होके 1 बचा, 1/ M2 इंटू X इज इक्वल्स टू 1/2। इसे सॉल्व करें तो क्या बचा है, वी आर लेफ्ट विद 1/M2, और यू कैन से दैट 1/M2 इज इक्वल टू X/2, यही बचा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, X यहां चला गया है, ठीक है। अब हमें 1/M2 तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, M2 चाहिए, तो अगर हम M2 को ऊपर ले जाते हैं तो ये भी पलट जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद 2/X, ठीक। ये आ गई हमारी मोलारिटी, किसकी मोलारिटी, ऑक्सैलिक एसिड की, सॉरी NaOH की, क्यों, क्योंकि 2 माने बेस के लिए, तो बेस इज हमारा NaOH, सो मोलारिटी ऑफ NaOH इज 2/XM, ठीक। अब जिन्हें फॉर्मूला में डाउट होता है या कोई भी प्रॉब्लम है वो क्या कर सकते हैं, ये 1-2 यूज करने के बजाय डायरेक्ट लिख लें, मैंने कहा था A इज फॉर एसिड तो आप लिख लीजिए मोलारिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इंटू VA क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड है, है ना, A इज फॉर एसिड ऑन 1 इज ऑल्सो फॉर एसिड, नीचे MB है तो B इज फॉर बेस, तो मोलारिटी ऑफ NaOH, बेस था NaOH इंटू V ऑफ NaOH, ठीक, इट इज इक्वल टू 1/2। आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, यानी जो आपको समझ आता है, आपको 1-2 समझ में आता है, AB समझ में आता है, ऐसा समझ में आता है, एज यू विश यू कैन यूज। सो ये मोलारिटी कैलकुलेट हो गई है, अब हम निकालेंगे स्ट्रेंथ। ये देखिए स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू मोलार मास। अब
इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोलारिटी हमने किसकी निकाली थी, NaOH की मोलारिटी निकाली थी। तो जिसकी मोलारिटी निकलती उसी की स्ट्रेंथ निकलती, क्योंकि एम ने पहले ही कह दिया है टू कैलकुलेट द मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन NaOH। तो मोलारिटी तो आ चुकी है। अब आप देखिए मोलारिटी आई है 2/x, क्योंकि x हमने रीडिंग अभी पुट नहीं की, हम डाइट्रेशन तो कर नहीं रहे अभी, तो मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन समझा रही हूं। तो जो भी आपकी रीडिंग आएगी वो उस x की जगह आप रख लीजिएगा, तो ये आपकी मोलारिटी यहां से m में आ जाएगी। m इज द यू नो यू कैन से अल्फाबेट यूज टू रिप्रेजेंट मोलारिटी। आप सीधे ग्राम पर मोल उसकी यूनिट भी लिख सकते हैं और उसकी जगह m भी लिखा जाता है यूनिट में। सो मोलारिटी इज 2/x इंटू मोलर मास। अब स्ट्रेंथ किसकी निकाल रहे हैं, स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं NaOH की, तो ऑब्वियसली मोलर मास भी NaOH का रखा जाएगा जो कि 40 होता है। इसे सॉल्व करें तो 40 इंटू 2 इज 80 अपॉन एक्स। स्ट्रेंथ की यूनिट है ग्राम पर लीटर। ये कंपलसरी है कि आप मोलारिटी निकालें तो मोलारिटी की यूनिट एम लिखें और स्ट्रेंथ की यूनिट ग्राम पर लीटर लिखकर बताएं। अब ध्यान देते हैं कि मान लें कि हमारे को कुछ रीडिंग मिल चुकी थी। सपोज हम जब टाइट्रेशन कर रहे थे तो हमें जो वॉल्यूम यूज हुआ NaOH का, जो यानी ब्यूरेट से आपने NaOH नीचे गिराया, जिसकी जगह आपने X लिखा है, वो X 20 ml आया है, ठीक है, या 19.5 आया है, 21, जो भी आपकी रीडिंग आती है, 8, 9, 10, जैसा भी आप टाइट्रेशन कर रहे हैं, जिस भी मोलारिटी और स्ट्रेंथ में जो भी आपकी रीडिंग आएगी वो इस एक्स की जगह रखी जाएगी, ठीक है। तो मैंने माना है कि मेरी रीडिंग 20 आई है, ठीक है, मेरी रीडिंग 20 आई है, यानी मुझे टाइट्रेशन करने में 20 ml NaOH यूज हुआ है। तो ये 20 इस एक्स की जगह मैं पुट कर दूंगी। मैं आपको एक रफ सॉल्यूशन करके बता देती हूँ। एक्स हमारी रीडिंग है 20, तो हमने रख दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा 0.1 m। तो मोलारिटी कितनी आ गई मेरी इस रीडिंग से, 0.1 m। इस 0.1 को मैं यहां पुट कर लूंगी, क्योंकि हमने यहां पे एक्स नहीं रखा था, सीधे 2/x रखा था। अब मैंने 2/x को सॉल्व कर लिया जो कि 0.1 आया है, तो 0.1 इंटू 40, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 g/L। तो जो भी आपकी रीडिंग आए उसे x की जगह रखिए, सॉल्व करिए, डेसिमल्स में आंसर आएगा वो निकालना है आपको, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है। मतलब आप इसे 2/20 या जो भी आपकी रीडिंग है, सपोज 18 आई है, तो 2/18 नहीं छोड़ सकते हैं, उसे पूरा सॉल्व करेंगे। वो आपकी मोलारिटी होगी, जो मोलारिटी आए उसे यहाँ पुट करिए, 40 से मल्टीप्लाई करिए, ग्राम पर लीटर में आपकी स्ट्रेंथ आएगी। तो ये तो आपने कैलकुलेशन करा किसके लिए, NaOH और ऑक्सैलिक एसिड वाले टाइट्रेशन के लिए। अब हमने एक और टाइट्रेशन किया था, वो था सोडियम कार्बोनेट और HCl के बीच में टाइट्रेशन, है ना। सो सोडियम कार्बोनेट और HCl वाला टाइट्रेशन जो आपने किया था, उस टाइट्रेशन में लेट्स सी, मैं इन दोनों को कंपेयर करके आपको बताऊंगी। यहां पर पहले टाइट्रेशन में NaOH स्ट्रांग बेस था, लेकिन यहां पर सोडियम कार्बोनेट वीक बेस है, ठीक, और एसिड यहाँ स्ट्रांग है, यहाँ पे स्ट्रांग एसिड है, ठीक है, यहाँ पे वीक एसिड था। तो यहाँ पर बेस स्ट्रांग था, ब्यूरेट में था, यहाँ पर एसिड स्ट्रांग है तो ब्यूरेट में होगा। यानी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो चीज स्ट्रांग है वो ब्यूरेट में है, या फिर आप अपना एम पढ़कर देख लीजिए, जिसकी स्ट्रेंथ और मोलारिटी पूछी हो उसे ब्यूरेट में भर लीजिए, ठीक है। ये वीक बेस है, ये पिपेट में जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो गया। यहाँ पर बेस स्ट्रांग था इसलिए ब्यूरेट में था, यहाँ एसिड स्ट्रांग है इसलिए ब्यूरेट में है। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। लॉजिक तो आपको एम से देखना है, क्योंकि एम जिस भी चीज की मोलारिटी और स्ट्रेंथ निकालने को कह रहा है हमें उसे ब्यूरेट में भरना होता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पेयर ऑफ टाइट्रेशन का सोल्यूशन था। अब इनकी रिएक्शन लिख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट और HCl की। तो ये रिएक्शन है Na2CO3+HCl gives you 2NaCl plus H2O+CO2. 2Na is balanced, Cl ये दो। अब ये balanced equation हुई हमारी। इसे देखकर हमें क्या समझ में आता है कि base का एक मोल यूज होता है तब acid के दो मोल यूज होते हैं न्यूट्रलाइजेशन के लिए। यानी जो रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है M1V1=M2V2, जहां मैंने बताया था 1 इज फॉर एसिड, सो MaVa=MbVb भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, जहां पे A एसिड के लिए है, B बेस के लिए है। तो मैं फिलहाल यही इक्वेशन यूज करूंगी जैसी मैंने पहले यूज की थी। तो M1V1/M2V2=, अब इक्वेशन से हमें देखना है, 1 इज फॉर एसिड,
है ना। तो एसिड के सामने कितने नंबर्स लिखे, टू, यहाँ लिखे टू। बेस के आगे क्या है, कुछ नहीं, मतलब वन स्टोइकियोमेट्री है, टू अपॉन वन। ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन। ठीक, अब वैल्यूज पुट करते जाएंगे हम। ये देखिए क्या डिफरेंस आया, ये यहाँ पर एसिड का वन मोल यूज होता था, ऑक्सैलिक एसिड का वन मोल यूज हुआ था रिएक्शन में, बेस के टू मोल्स थे, यहाँ उल्टा हुआ है, एसिड दो मोल है और बेस एक मोल है, तो ये रिवर्स चल रहा है, यहाँ वन अपॉन टू था, यहाँ टू अपॉन वन है। नाउ लेट अस सॉल्व। एम वन क्या है, मोलारिटी ऑफ एसिड। एसिड की मोलारिटी तो हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे HCl भरा हुआ है ब्यूरेट में, तो यानी एम वन हमें नहीं पता। ठीक, अब वी वन क्या है, यहाँ पर वी वन वो वॉल्यूम है जो HCl ब्यूरेट से नीचे गिर कर आपके कॉनिकल फ्लास्क में, जो टाइट्रेशन फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क है जिसमें सोडियम कार्बोनेट भरा हुआ है, उसको न्यूट्रल करेगा। तो जो भी वॉल्यूम यूज हुआ वो आपकी रीडिंग है, तो उसे हमने रीडिंग को क्या माना था, एक्स। हमारे कैलकुलेशंस में एक्स क्या है, एक्स हमारी रीडिंग है, जो टाइट्रेशन की रीडिंग आएगी वो एक्स है। अपॉन एम टू, एम टू क्या लिखा हुआ था, यहाँ देखें, एम टू जो है मोलारिटी है बेस की, तो सेकेंड वाले टाइट्रेशन में सोडियम कार्बोनेट HCl वाले टाइट्रेशन में मोलारिटी कितनी दी थी, 0.05। तो मैं ऐसे 0.05 भी लिख सकती हूँ, और मैंने समझाया था शुरू में कि 0.05 को ही हम 1/20 भी लिख सकते हैं, तो हम मैं 1/20 लिख लेती हूँ, क्योंकि हमारा जो पीपेट है वो 20 ml का है, तो बहुत आसानी से कैंसिल हो जाएगा। अगर आप 0.05 भी लिखते हैं तो 20 से मल्टीप्लाई होके वो 1 हो जाएगा बाद में, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वी टू क्या है, आपको पता है वी वॉल्यूम है, टू माने क्या, बेस, और बेस क्या है, सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट को लिया काय में, पीपेट में लिया, और पीपेट की कैपेसिटी कितनी थी, 20 ml, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बेस कितना हो गया, 20 ml। अगर आपने 10 ml का पीपेट लिया तो यहाँ पर वॉल्यूम 10 आएगा। ठीक है, ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, 2/1। अब आप देखिए क्या बचा है, अब आपके पास बचा है एम वन इंटू एक्स, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, 1 बचा है, छोड़ दीजिए उसको, इट इज इक्वल टू 2, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है, लीव इट। क्या बचा, एम वन इज इक्वल टू एक्स, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2/x। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, कैलकुलेशंस अलग थे, चीजें ऊपर नीचे चल रही थी, लेकिन फॉर्मूला में मोलारिटी देखिए, यहाँ एम टू कैलकुलेट कर रहे थे, एम टू माने मोलारिटी ऑफ बेस कैलकुलेट कर रहे थे, वो भी 2/x आई थी, और एम वन माने मोलारिटी ऑफ एसिड कैलकुलेट कर रहे हैं, वो भी 2/x आई है, साथ में यूनिट लिखिए एम। सो हमारा कैलकुलेशन में फॉर्मूला अलग है, लेकिन जो हम कंक्लूजन पे पहुंचे हैं वो सेम है, दैट इज 2/xm। अब जो भी आपका x हो, जैसा कि मैंने पिछले उसमें बताया था, इसी वीडियो में जब हम NaOH और ऑक्सैलिक का कैलकुलेशन समझ रहे थे, कि जो भी आपकी x की जगह रीडिंग आई है वो पुट करें तो आपकी मोलारिटी निकल आएगी। ठीक है, अब सिमिलरली हम निकालेंगे स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा था, तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू मोलार मास। अच्छा, अब मोलारिटी 2/x हम आ चुकी है ऑलरेडी, तो यहाँ हम स्ट्रेंथ किसकी निकाल रहे हैं, तो हम स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं HCl की। ठीक है, जिसकी मोलारिटी निकलती है उसी की स्ट्रेंथ निकलती है, राइट। तो मोलारिटी आ गई है 2/x इंटू मोलर मास क्या है, तो HCl का मोलर मास रखा जाएगा, सो मोलर मास ऑफ HCl इज 36.5। So on solving what we are getting, it will be 2 into 36.5 is 73/x gram per liter. So यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ x क्या है, मैं कोई और कलर ले लेती हूँ, x आपकी रीडिंग है, तो आप रीडिंग पुट करिए और मोलारिटी निकाल लीजिए। यहाँ भी या तो आप 2/x की वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए, या इसके डिनोमिनेटर में आप अपनी रीडिंग पुट करिए और स्ट्रेंथ आपकी कैलकुलेट हो जाएगी ग्राम पर लीटर में। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ बोथ द टाइट्रेशन, दिस वाज द NaOH ऑक्सैलिक एसिड टाइट्रेशन, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर NaOH अननोन सोल्यूशन था, उसकी मोलारिटी स्ट्रेंथ निकाली, और सेकेंड टाइट्रेशन में HCl अननोन सोल्यूशन था, तो हमने उसकी स्ट्रेंथ और मोलारिटी निकाली है। आई होप ये कैलकुलेशन आपको क्लियर है। ध्यान रखेंगे कि हम मोलारिटी निकाल रहे हैं, जिसकी भी मोलारिटी निकाल रहे हैं उसको हम एज इट इज रखते हैं। यहाँ हम HCl की मोलारिटी निकाल रहे थे, इसलिए एम वन हमने एज इट इज रखा था, और एक्स हमारी रीडिंग थी, और ये तो आपको क्लियर है। यहाँ पर हमने एम टू निकाला था,
मोलारिटी ऑफ बेस निकाला था, यहाँ हमने एम वन निकाला था मोलारिटी ऑफ एच सी एल दैट इज एसिड, इसलिए वो न्यूमरेटर में था और ये बेस था इसलिए डिनोमिनेटर में है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. सो आई होप द कैलकुलेशन वॉज क्लियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.